नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। 2024 के पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है। देश के 102 लोकसभा सीटों पर 1625 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई है, लेकिन पहले चरण के चुनाव ने यह तय कर दिया है कि जो भी पहले राउंड में ली लेगा जीत उसी की होगी। हालांकि इस बार मुकाबला एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन का है, लेकिन बीजेपी का एक कोर वोटर उससे नाराज है। ऐसे में देश में ही नहीं बल्कि यूपी बिहार में सियासी समीकरण बदलने के आसार नजर आने लगे हैं। आखिर कौन सा वोटर किसके पाले में गया, किसके पाले से छिटका, देखिए पहली परीक्षा किधर गई जनता। जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है। यहां से सफाया होगा गाजीपुर तक। पहला चरण 102 सीट और देश के 21 राज्यों में मतदान। ये वो सीटें हैं जो 2024 में पार्टियों के जीत की दशा और दिशा तय करेंगे। यहां से तय होगा कि 24 के चुनावी चौसर से दिल्ली दरबार का रास्ता कौन तय करेगा। जनता जनार्दन ने मतदान के बाद 102 सीटों पर नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद कर दी। गांव से लेकर शहरों तक में लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला, लेकिन लोकसभा सीटों के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि यहीं से बाकी चरणों के चुनाव में हर पार्टी की दशा और दिशा तय होगी। पहले चरण में यूपी के 8 सीटों पर मतदान हुआ और वो 8ों की 8ों सीटें पश्चिमी यूपी की थी। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद और पीलीभीत। लेकिन इन 8 सीटों पर एक वर्ग की नाराजगी ने 2024 के चुनाव को काफी दिलचस्प बना दिया और वो वर्ग है क्षत्रिय यानी राजपूत समाज। ये बीजेपी का वो कोर वोट बैंक है जो दशकों से उसके साथ खड़ा रहा। ये वो कोर वोट बैंक है जिसके दम पर मोदी सरकार दिल्ली दरबार में काबिज है। लेकिन 2024 में माना जाता है कि यह समाज बीजेपी से नाराज है। नाराजगी हिस्सेदारी को लेकर है। नाराजगी क्षत्रिय समाज पर बीजेपी नेताओं के विवादित टिप्पणी से है। नाराजगी उनकी उपेक्षा को लेकर है। इन सीटों पर राजपूत समाज की हिस्सेदारी की बात करें तो मुजफ्फरनगर में राजपूत 8%, सहारनपुर में भी 8%, नगीना में सबसे ज्यादा 12% राजपूत है, कैराना में 6%, मुरादाबाद में 6%, बिजनौर में 5%। पहले चरण में पश्चिमी यूपी की सबसे हॉट सीट मुजफ्फरनगर मानी जा रही। ये वो सीट है जहां बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के साख दांव पर है। भले ही बालियान जाट नेता हैं, लेकिन राजपूत समाज की नाराजगी उन पर भारी पड़ सकती है। मुजफ्फरनगर में त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ बीजेपी की तरफ से संजीव बालियान मैदान में हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से सपा प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीएसपी ने दारा सिंह को टिकट दिया। हालांकि राजपूत समाज की नाराजगी खुलकर सामने आ चुकी। वो लगातार खुद की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। हमारे संवाददाता संजीव त्रिवेदी ने जब राजपूत समाज के लोगों से बातचीत की तो लोगों ने क्या कहा, सुनिए। हमारे जो विकास कार्य हैं वो यहाँ इधर इतना ज्यादा खास कुछ नहीं हुआ, और लेकिन हमारा जो वोट है वो डेवलपमेंट के नाम पे हमेशा से आता था। अब की बार तो ऐसा है ना, कोई कुछ किसने कुछ भी काम कराया है,
संजीव बालियान से कुछ भी काम पड़ा है, उसने कोई काम नहीं कराया, वो कभी आके झक्का ही नहीं यहाँ पे। नहीं तो ये नाराजगी आपकी स्थानीय नेता से है या कुछ और आपके दिमाग से? इसी नेता से है, इसी नेता से। राम मंदिर में राम बताएंगे कौन थे? क्षत्रिय थे। हाँ, 250 आदमी ट्रस्ट में रहे, एक भी क्षत्रिय है उसमें? अच्छा, बताओ आप मुझे। अच्छा, ये प्रश्न है आपके दिमाग में? बिल्कुल है, क्यों ना होगा। और क्या प्रश्न है? एक क्षत्रिय हूँ तो ये दर्द होगा नहीं होगा? हालांकि राजपूत समाज का एक खेमा ऐसा भी है जो बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की बात कह रहा है। उनका साफ कहना है कि उन्हें बीजेपी से कोई नाराजगी नहीं। हम पार्टी से बाहर नहीं है, पार्टी किसी कारण से हो सकता है भाई गाजियाबाद की एक टिकट काट दिया हो। हाँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पार्टी की बगावत कर दें। मैं भी रोहला हूँ, दर्जी हूँ, और रही ठाकुरों की बात, अगर मैं बात करूँ मुद्दे की, हम किसी को भी सपोर्ट कर सकते थे। एक उन्होंने की हरिंदर मलिक जी को सपोर्ट करना, और को भी कर सकते थे। हरिंदर मलिक जी को क्यों सपोर्ट किया भाई? मैं तो बीजेपी को वोट दूंगा, बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ छोटा। हम सब सोम है, हम अपने राजपूत, हम भी राजपूत ही हैं, तो हम सब मोदी जी को सपोर्ट कि मोदी जी के लिए सपोर्ट करो। और क्या है, इससे बढ़कर क्या है हमारा? ब्याह तो लड़के बहुत से हैं, वो मुँचों पे ताव दे रहे हैं, कह रहे हैं कि इस बार तो दिखा देंगे। अरे जो दिखाएंगे वो दिखाएंगे, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी सोच है। लेकिन जो हमारे लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए, बेटियों के लिए अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा। मुजफ्फरनगर में राजपूत समाज 8% की हिस्सेदारी रखता है। ऐसे में सवाल ये है, क्या राजपूत समाज का वोट बैंक बीजेपी से छिटक गया है? क्या राजपूत समाज दो वर्गों में बट गया है? बीजेपी से नाराज खेमे का वोट किसके पाले में गया है? भले ही राजपूत समाज का वोट बंटने की बात हो रही हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रत्याशी संजीव बालियान का कहना है कि उनके जीत सुनिश्चित है। वहीं सपा नेता और प्रत्याशी हरेंद्र मलिक भी अपने जीत का दावा कर रहे हैं। यहाँ जितना टोटल वोट पड़ेगा उसका मोर देन 50% मुझे पड़ेगा, ये तय है। ये तय है, ये तय है। ये आपका आकलन है? मेरा आकलन नहीं, ये जनता का आकलन है। वहीं बीजेपी नेता संगीत सोम ने कहा कि अब हमारे समाज की नाराजगी दूर हो गई है और हम लोग बीजेपी के साथ ही हैं। निश्चित समझिए, अगर ठाकुरों का बोलबाला है तो ठाकुर तो हमेशा से देश के लिए वोट करता आया है, और इस बार भारतीय जनता पार्टी को सब ठाकुर वोट दे रहा है। वहीं पश्चिमी यूपी की दूसरी सबसे हॉट सीट है सहारनपुर। यहाँ भी इस बार मुकाबला कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि मैदान में बीजेपी, कांग्रेस और बीएसपी तीनों है। एक तरफ इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने राघव लखनपाल को मैदान में उतारा है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इस बार बीएसपी ने माजिद अली को उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया। ऐसे में सहारनपुर में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। सहारनपुर में पिछली बार बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था। ऐसे में बसपा के हाजी फजलूर रहमान ने जीत दर्ज की थी, तो वहीं दूसरे नंबर पर बीजेपी के राघव लखनपाल रहे थे और तीसरे नंबर पर इमरान मसूद। ऐसे में लोगों से बातचीत में लोगों ने क्या कहा, सुनिए। महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी है, देश में हालात बहुत खराब हैं, और इसीलिए लोग जो है जागरूक होकर वोट डाल रहे हैं कि इस बार गवर्नमेंट को बदलने का हम लग रहा है। और इस बार जो एक चीज हमें और लग रही है कि जो पीडीए का हिसाब है कि दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक, ये लोग मिलकर इस बार वोट कास्ट कर रहे हैं। मैंने वोट जो दिया है, एक तो बेरोजगारी, नौजवान, कल को मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो बेरोजगारी बहुत बड़ी चीज़ है। ये नहीं अनाज की बात है, अनाज दे रहे सही है, बहुत अच्छी बात है अनाज देना, लेकिन बेरोजगारी पे एक लगाम लगानी चाहिए गवर्नमेंट को। और ये सोच कर दिया है कि धारा 370 जो 70 सालों से यहाँ विपक्षों ने लगाई हुई थी जम्मू कश्मीर के अंदर, केवल भारतीय जनता पार्टी ने हटाई। पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने जितने वादे किए थे उससे 2 वादे फालतू पूरे करे होंगे, कोई भी वादा। यानी मुकाबला कांटे का है, क्योंकि एक पक्ष बीजेपी के साथ खड़ा है तो वहीं दूसरा पक्ष इमरान मसूद को जिताने की बात कह रहा है। ऐसे में सहारनपुर में क्लोज फाइट मानी जा रही है। सहारनपुर की जातीय समीकरण की बात करें तो सहारनपुर का जातीय समीकरण में मुस्लिम 42%, जाटव 17%, राजपूत 8%, सैनी 5%, गुज्जर 5%, कश्यप कोहर 4%, ब्राह्मण 2.5%, पंजाबी प्लस बनिया 8%, त्यागी 2.5%, जाट
1.5%, यानी मुस्लिम समाज यहां किंग मेकर की भूमिका में। ऐसे में बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि बीएसपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही मुस्लिम उम्मीदवार पर दांव खेला है। तीसरी सबसे हॉट सीट मानी जा रही है कैराना लोकसभा, जहां मतदाता बीजेपी, सपा और बसपा के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बीजेपी ने इस सीट से वर्तमान सांसद प्रदीप चौधरी को टिकट दिया। सपा ने इकरा हसन को चुनावी मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने ठाकुर समुदाय के नेता को टिकट दिया, जिससे यहां त्रिशंकु मुकाबला बन रहा है। न्यूज 24 की टीम कैराना के जनता के बीच थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि जनता इस बार किसके साथ। ग्राउंड रिपोर्ट में पता चला कि बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी चुनाव में मोदी इफेक्ट और आरएलडी के साथ गठबंधन के कारण उनकी स्थिति अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले थोड़ी मजबूत बताई जा रही है। ये राष्ट्रीय स्तर का नहीं है, ये कैराना लोकसभा की बात कर रहा हूँ मैं। इकरा हसन जी के चेहरे को वोट पड़ रहा है यहाँ। मोदी योगी के नाम के है, ये जो लोकल में जो आदमी उठ रहे हैं, मोदी तो नहीं आना यहाँ कैराना में, ना योगी आना। अब प्रदीप से कोई काम होगा तो प्रदीप आता नहीं यहाँ पे। मुद्दा तो कुछ नहीं है, ठीक है, भाजपा ने बहुत विकास करा है यहाँ। जो युवाओं का मुद्दा है वो रोजगार का है, वो रोजगार दे नहीं रही गवर्नमेंट। क्या दिमाग में रखे गई थी वोट देने? मोदी की देन गए थे जी। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन मुस्लिम समुदाय के समर्थन पर भरोसा कर रही, जो इस लोकसभा सीट पर निर्णायक भूमिका में है। इसके अलावा वो वर्तमान सरकार के काम से नाखुश और असंतुष्ट लोगों से जुड़ने के जुगत में है। हालांकि उन्होंने वोटिंग के दौरान ये शिकायत की कि कई जगहों पर ईवीएम खराब है और लोग वोट नहीं कर पा रहे। एनडीए का कोई जनाधार नहीं है, एनडीए ने कोई काम नहीं किया। आज वो काम के बलबूते पे वोट मांगने में बिल्कुल असफल हैं। कैराना के मुद्दे क्षेत्र के विकास के हैं और यहाँ पर एक गन्ना बेल्ट है जहाँ का पेमेंट बहुत बड़ा एक मुद्दा है। साथ ही में यहाँ पर रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये अहम मुद्दे हैं जिनके बेसिस पे जनता वोट कर रही है इस बार। वही सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने ठाकुर समुदाय के नेता को टिकट दिया। चुनावी मैदान में ठाकुर समुदाय के नेता को उतारने से मुकाबला त्रिशंकु होता जा रहा है, क्योंकि ठाकुर पारंपरिक रूप से भाजपा के वोट बैंक है, साथ ही उन्हें दलितों का भी अच्छी तादाद में वोट मिलने की उम्मीद है। इससे बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, साथ ही इससे बीजेपी के वोट शेयर पर भी खतरा पैदा हो सकता है। कैराना के जातीय समीकरण की बात करें तो मुस्लिम 36%, जाटव 11%, राजपूत 6%, सैनी 7%, जाट 7%, गुज्जर 7%, कश्यप 7%। रामपुर में भी मामला कांटे का माना जा रहा है। यहां से बीजेपी से घनश्याम लोधी चुनावी मैदान में हैं। इंडिया गठबंधन के बैनर तले सपा उम्मीदवार मुहिबुल्लाह नदवी चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं बसपा ने जिशान खान को चुनावी मैदान में उतारा है। मुस्लिम बहुल इस सीट पर कभी आजम खान का कब्जा होता था, लेकिन आजम खान जेल में है और इस बार सपा ने दूसरा प्रत्याशी मैदान में उतारा है। हालांकि रामपुर में किसका माहौल कैसा है और जनता किस मुद्दे पर वोट कर रही है, आप खुद ही सुन लीजिए। सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी और गरीबी का, और मेरा कहना खुद का तो यह है कि अगर चुनाव हो तो धर्म के आधार पर ना हो, यानी चुनाव चुनाव के तरीके से हो और राजनीति में धर्म का नाम ही नहीं आना चाहिए। बेरोजगारी का है मेन मुद्दा, रोजगार नहीं है। रोजगार बिल्कुल नहीं है रामपुर के अंदर। अच्छा, कोई रोजगार नहीं है, बस लोग परेशानी है। हमें तो कोई भी नेता आता है तो उससे हमें कोई फ़ायदा ही नहीं होता, चाहे आजम खान हो या कोई भी नेता आता है, तो आज तक किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। वहीं अखिलेश का कहना है कि पश्चिमी यूपी की हवा बीजेपी का सफाया करेगी, तो वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यूपी की जनता ने दो लड़कों की फ्लॉप जोड़ी को नकार दिया है। आपको याद होगा पुराना, या उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस दो लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काट की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले
कितनी बार चढ़ाएंगे। यहाँ से सफाया होगा गाजीपुर तक। देश की जनता बदलाव चाहती है और बदलाव की हवा पश्चिम से उत्तर प्रदेश से चल रही है और मुझे पूरा उम्मीद है आने वाले समय में इंडिया गठबंधन और नई सरकार देश में दिखाई देगी। Go powered by